Good morning, students. Welcome to TSN Education. Today we will do Tracing Changes Through a Thousand Years, our past book, Class Seventh. Take a look at Map One and Two. Map One was made in eleven fifty four C.E. by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world map 2 was made in the 1720s by a french cartographer the two maps are quite different even though they are type of they are the same area in al-idrisi map south india is where we would expect to find north india and sri lanka is the island at the top प्लेस आर मार्क इन अरेबिक यहाँ जो मैप वन और जो मैप टू दिए गए हैं ये दोनों मैप्स हैं वन और टू मैप इन्हें हम ध्यान से देखते हैं इलेवन फिफ्टी फोर सी ई में या जो अरब जोग्राफर थे अल इद्रिसी ने इस मैप को बनाया था उन्होंने वर्ल्ड के लार्ज जो मैप uh, का एक यहाँ पर सेट दिखाया है मैप टू में जो कि सेवेंटीन ट्वेंटी में बनाया गया था इसे फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था कार्टोग्राफर अ पर्सन मेक्स मैप्स कार्टोग्राफर वे पर्सन होते हैं जो कि मैप बनाते हैं द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट दे आर ऑफ़ द सेम एरिया यहाँ जो दो मैप दिए गए हैं ये डिफरेंट हैं जबकि ये सेम एरिया के हैं साउथ इंडिया जहाँ पर हम नॉर्थ इंडिया को एक्सपेक्ट करते हैं श्रीलंका जो है श्रीलंका आयरलैंड टॉप में है और यहाँ पर जो प्लेस दिए प्लेसेस के जो नेम्स दिए हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में दिए गए हैं इसके अलावा and there are some well known names like kanauj in uttar pradesh spelled in the map as kanauj map 2 was made by nearly 600 years after map 1 during which time information about the subcontinent had changed considerably this map seems more familiar to us and the coastal area in particular are surprisingly detailed this map was used by european sailors and merchants on their voyages इसके अलावा भी कुछ जाने पहचाने नाम जैसे कि कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में हैं मैप टू को फर्स्ट के आ, मैप के सिक्स हंड्रेड ईयर्स बाद में बनाया गया था जिसमें कि इस उपमहाद्वीप में टाइम के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी उनमें काफ़ी चेंजेस हुए थे ये मैप कुछ अभी के मैप से भी फैमिलियर हैं जिनमें कि कोस्टल एरिया को एक पर्टिकुलर आ, कुछ उनकी डिटेल्स दी गई हैं इस मैप को यूरोपियन जो सेलर्स होते थे और मर्चेंट जो होते थे समुद्र जो व्यापारी होते थे वे लोग समुद्री यात्रा के लिए यूज करते थे इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड्स वेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप्स एंड टेक्स फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्टेक्स इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास वॉज प्रोड्यूज इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो भी कार्टोग्राफी उस समय यूज की जाती थी दोनों पीरियड्स की वह काफी डिफरेंट है जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट मैप्स टेक्स्ट जो भी पास्ट के उन्हें रीड करते हैं तब उन्हें ध्यान रखना होता है कि उस समय डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स या जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है उस समय उनके क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स थे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोल टर्मिनोलॉजी नई और पुरानी शब्दावली इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेज विद टाइम वॉट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स historical records exist in a variety of language which have changed considerably over the years medieval persian for example is different from modern persian the different is not just with regard to grammar and vocabulary the meaning of words also change over time जो नई और पुरानी शब्दावली हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हुए थे वह हम देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन थी वह टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चेंज होने लगी तो लैंग्वेज और मीनिंग्स के साथ भी ऐसा हुआ होगा जो भी पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें बनाया गया जब उन्हें बनाया गया तो उनकी लैंग्वेज में बनाया गया और ये लैंग्वेज भी टाइम के साथ चेंज हुई तब ये हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं तब तैयार किए गए थे बट देखा जाए तो इतने समय में उनमें भी कई चेंजेस आ गए थे अगर हम एग्जांपल के लिए मिडेवल जो पर्सियन की अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मध्य युग के जो फारसी है उसको एग्ज़ाम्पल के रूप में लें तो मॉडर्न पर्सियन से काफ़ी डिफरेंट है ये डिफरेंट केवल ग्रामर और वर्कबली ही नहीं है उनके मीनिंग्स भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते गए टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया आज हम एक टर्म जो हिंदुस्तान है उसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं द मॉडर्न नेशन स्टेट आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के रूप में आज हम उसे समझते हैं वेन द टर्म वॉज यूज इन दर्टीन सेंचुरी बाय मीनाज सिराजा क्रॉनिकलर ही मेन द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना ही यूज़ द टर्म इन पॉलिटिकल साइंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ़ द डोमियंस ऑफ अ दिल्ली सुल्तान थर्टीन सेंचुरी में क्रॉनिकलर जो इतिहासकार जो थे मिनाज सिराज एक पर्सियन उन्होंने लैंग्वेज में लिखा कि उनका मेन पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच में जो स्थित एरिया हैं उनसे है उन्होंने इस टर्म को एक पॉलिटिकल सेंस में यूज किया और लैंड को यह बताया कि जो वह लैंड जो कि दिल्ली सुल्तान के अधिकार में आते हैं द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनेत बट द अर्ली सिक्सटीन सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी द फोना इन द कल्चर ऑफ द inhabitants of the subcontinent as well as we will see later in the chapter this was somewhat similar the way the 14th century poet amir khusro used the word hind while the idea of a geographical and cultural entity like india did exist the term hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with today सल्तनत जो थी उनके एक्सटेंड होने के साथ साथ आने वाले जो उनके एरिया थे उनके अधिकार में आने वाले जो एरियाज थे वह भी बढ़ते गए बट हिंदुस्तान टर्म में कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था अर्ली सिक्सटीन सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान का यूज़ जोग्राफ़ी यानी भूगोल को फौना वहाँ के पशु पक्षी और यहाँ के इनहेबिटेंट जो यहाँ के निवासी हैं उनके कल्चर उनके संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था यह यहाँ पर फोर्टीन सेंचुरी के पॉइंट जो अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग यूज़ किया गया एक वर्ड है हिंद के समान ही लगता है हिस्टोरियंस जो ये आइडिया लिया गया है जोग्राफ़ी और कल्चरल एंटाइटी का यह इंडिया की ही एक पहचान है जहाँ हिंदुस्तान को एक टर्म में पॉलिटिकल और राजनीतिक उसके राष्ट्रीय अर्थ नहीं थे जिसे आज हम जैसे कि इंडिया को एक पॉलिटिकल हम अर्थ से जोड़ते हैं हिस्टोरियंस टूडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट हिस्टोरियंस जो हैं उन्हें आज किसी भी टर्म को यूज़ करते समय केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि पास्ट में उन जो वर्ड्स थे उनके अलग ही मीन थे टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर इट इज़ यूज टूडे टू मीन सम वन हु इज़ नॉट एन इंडियन अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए एक टर्म फॉरेनर को लें विदेशी को लें तो आज हम इसे यूज़ करते हैं इसके पहले काफ़ी चेंज मीन था और आज हम इस किसी विदेशी के लिए फॉरेनर को यूज़ करते हैं समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन वह व्यक्ति जो कि ये इंडियन नहीं है इन द मिडेबल पीरियड ए फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु एपियड से इन अ गिवन विलेज समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द दैट सोसाइटी और कल्चर सम ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिया नहीं है मिडेवल पीरियड में जो भी अजनबी होते थे किसी दूसरे गांव से आने वाला व्यक्ति जो कि उस सोसाइटी और कल्चर का नहीं है उसे फॉरेनर कहा जाता था इन हिंदी द टर्म परदेसी माई बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड अ पर्सियन अजनबी इन पर्सन को हिंदी में परदेसी और पर्सियन में फारसी लैंग्वेज में अजनबी कहा जा सकता है अटी ड्वेलर देयर फोर माइट रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर किसी सिटी ड्वेलर यानी नगर में रहने वाले के लिए फॉरेस्ट में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वे फॉरेनर कहलाते थे बट टू परसन टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स पर जो दो किसान एक ही विलेज में रहने वाले होते थे वे फॉरेनर्स एक दूसरे के लिए नहीं होते थे वे एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं होते थे इवन दो दे हैव हैड डिफ़रेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड चाहे उनके अलग अलग धर्म हो और उनके कास्ट बैकग्राउंड उनकी जाति अलग रही हो फिर भी वे एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं होते थे Historians and their resources. Historians are different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following thousand years from roughly 700 to 1750. हिस्टोरियंस जो थे वे पास्ट को फाइंड करने के लिए डिफरेंट जो टाइप के जो सोर्स हैं उन्हें यूज़ किया करते थे कि उन्हें किस टाइप की कौन से पीरियड की स्टडी करनी है और उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो नेचर है प्रकृति क्या है उनकी जो खोज है उसकी प्रकृति क्या है इसके लिए वो डिफ़रेंट टाइप के जो सोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करते थे लास्ट ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एग्ज़ाम्पल के लिए लास्ट ईयर गुप्ता डायनेस्टी के हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंट ईयरस फ्रॉम रफली सेवन हंड्रेड टू सेवनटीन फिफ्टी इस बुक में हम सेवन हंड्रेड से सेवन फिफ्टी जो ईस्वी तक की लगभग हज़ार वर्षों की थाउजेंट ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड इस पीरियड की स्टडी के लिए हिस्टोरियन जिन सोर्सेज को यूज़ करते थे वे कंटिन्यूटी में हैं दे रैली और कॉइंस इंस्क्रिप्शन आर्किटेक्चर एंड टेक्स्टुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिन्हें source, जिन सोर्सेज को यूज़ करते हैं वे पहले जैसी चली आ रही हैं जिनमें कि हिस्टोरियंस जो हैं वे कॉइंस को इंस्क्रिप्शन जो कि शिला लेख होते हैं आर्किटेक्चर स्थापत्य भवन निर्माण के लिए जो यूज किया जाता है टेक्सुअल रिकॉर्ड जो लिखित अभिलेख हैं, उन सामग्री को इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू